शुक्र है चंद लोग आज भी हैं। हम ये कहते हैं की बात कर काशिफ साहब, हम ये कहते हैं असूल की बात ये नहीं, मुझे इसलिए कि आप इदारों को मुनाजा ना बनाए। जब आप इक्तदार की कुर्सी में बैठे होते हैं तो आप अपनी आंख यहाँ रखते हैं और इक्तदार से जब उतरते हैं तो गोडों पे आते हैं, और जब आपकी चोरी पे पकड़ दकड़ शुरू हो तो फूट को ले ही आए हैं जी। ले आए अपने आप को इस निजाम को काशिफ साहब एक तैयार इनसे आप कर लेते आपने आधा घंटा गलती करके आ गए शर्मिंदगी उठाए शर्मिंदगी नहीं शर्मिंदगी आप है उन्हें चाहिए शर्म की बात है कि आज इसके मुझे तो अगर पता होता इस तरह का कोई विधायक तो कभी बैठता ना, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं आता इनके साथ इस तरह आपको पता चला आज इस मुल्क का कौम को आपने कितना बेवकूफ बनाया। ये पोजीशन सऊदी अरब में जूता उठा के अगर आप दोनों रुक बात तो जरा सुन लीजिए, मेहरबानी करें मैं जो जवाब आपसे बात करूं मेरी बात फिर मैं आपके पास आता हूं जी आपसे सवाल पूछ। मसला ये कि ये आई अंडरस्टैंड, मेरा भी ये ख्याल है कि ये बूट इधर नहीं आया, ये दिस इज प्रोबेबली एक इंसल्टिंग सर, ये नीड टू बी इंसल्ट अपने निजाम को इंसल्ट ना निजाम की बात ये इंसल्ट कर रहे हैं निजाम को। अगर आप चोरी और कुछ नहीं होते तो इट्स अ डेमोक्रेसी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। काशिफ आप कह रहे हैं हुकूमत का एक वजीर कह रहा है कि फौज सियासत में मुदाखलत करके अपना वोट इस बूट की बुनियाद पर लेती है, ये कह रहे हैं आप एक्चुअली यही कह रहे हैं सर। आपने जो समझना है आपका खौफ कर रहे समझा रहा हूं कि ये गिरे हुए हैं अपनी सियासत और चोरी बचाने के लिए ये किसी हद तक गिर सकते हैं। एक सेकंड एक सेकंड आज पहला नारा तारा था वोट को इज्जत दो सारे नोट को इज्जत दो तुम लोग नोट को इज्जत देने के बाद वाडा साहब डालो ये अपने गले में डाल अभी के फिर रहे हैं आप वाडा साहब एक सेकंड वाडा साहब दे विल टर्न अराउंड रुक जाइए दे विल टर्न अराउंड और ये आपसे सवाल पूछेंगे कि इमरान खान साहब ने क्यों फिर ये वोट अपने अपने उसमें डाला। मैं इस पर जैसे इनको वैसे भी नहीं बैठना चाहिए, इनकी शर्गी इनकी बता रही है कि हर जगह से भागेंगे इनको मुल्क से भी भगाएंगे हम ये भगाएंगे सर इनको फेस करना हाँ बिल्कुल नहीं फेस करना चाहिए सर इनके गले में जूते डाल दें बिल्कुल डाले सर आप शर्मिंदगी उठाए ना आप भाग गए मुंह छुपाकर आप नून लीग वालों का यही हाल है आप लोग भागेंगे मुंह छुपाकर आप देखना वो वक्त करीब है सर हम एक्सपोज कर रहे हैं आपको आपकी असलियत। वाडा साहब यही सवाल तो फिर वो आपसे पूछे कि आपने अपने जूते गले में बूट डाल लिए। सर हमने अपने इदारों की हमेशा इज्जत की और करते रहेंगे, हमने कभी नहीं कहा वो चने के, हमने कभी कोर्टों के बाहर नहीं किया, हमने कभी ब्लैकमेल नहीं किया। इमरान खान साहब के माजी के बयान सुनो।